नमस्कार, मैं डॉक्टर जागृति, आयुर्वेदा विद डॉक्टर जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जलजीरा। हम जलजीरा का सेवन क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या है ये जलजीरा, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या हम इसे घर पे बना सकते हैं या बाहर से ही जो पाउडर मिलता है उसी से हम जलजीरा सेवन करें, ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले आप अपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाने को मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाने को मत भूलिए। अगर आपने बेल आइकॉन दबा लिया तो आप हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जलजीरा क्या है। जलजीरा के नाम में ही उसका कंटेंट्स लिखा हुआ है, जल और जीरा, जिसमें कि पानी और जीरा इन दोनों का संयुक्त जो लिक्विड दिया जाता है उसे जलजीरा कहा जाता है। क्या इसमें सिर्फ पानी और जीरा ये दोनों ही घटक है? नहीं, इसमें और भी कई घटक है जो हम आगे देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जलजीरा के फायदे क्या है, उसके शरीर पर क्या उपयोग होते हैं, उसके बाद में जलजीरा हम घर पर कैसे बना सकते हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, और आखिर में हम देखेंगे कि जलजीरा ज़्यादा पीने से किसे तकलीफ़ होती है। तो आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जलजीरा जो है हम ज़्यादातर समर सीज़न में, जो कि धूपकाले के सीज़न में, जलजीरा सेवन अधिकतर प्रमाण में किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी है और ये शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला द्रव्य है। इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जलजीरा एक नेचुरल रेमेडी है, जो प्राकृत द्रव्य है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाता है, जो समर में पुअर डाइजेशन रहता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, उस समय जलजीरा शरीर को बहुत हितकर होता है, इसलिए जलजीरा समर सीज़न में पिया जाता है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि ये मतली कम करता है। जिसे भी मतली की तकलीफ होती है या जिसको नौशिया कहते हैं, उसमें ये अत्यंत उपयुक्त है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको मॉर्निंग सिकनेस की तकलीफ होती है, सवेरे उठने के बाद उन्हें कुछ उनका जी मचलाता है, उल्टी होती है, तब इन्हें जलजीरा सेवन अत्यंत उपयुक्त होता है, जो उनकी मतली रोक देता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमन को भी जलजीरा देने को हमारा आयुर्वेद कहता है। दूसरा फायदा ये जलजीरा का ये है कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं हमारे खान पान की वजह से, हमारी बुरी आदतों की वजह से, तो ये जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से निकालने में ये जलजीरा हमारी मदद करता है। नंबर तीन, जलजीरा का महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी ये अपनी बॉडी में जो भी कुछ डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने में बहुत लाभदायी है, इसलिए जलजीरा हमारे बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। नंबर चार, ये बहुत अच्छी तरह एपेटाइज़र है, यह भूख बढ़ाता है, यह अन्न को पचन करने में मदद करता है। जिनको भी भूख नहीं लगती है, समर सीजन में ज़्यादातर भूख नहीं लगती है, तब जलजीरा सेवन से भूख अच्छी तरह से लगती है, और जो भी आप अन्न का सेवन करते हैं वो अन्न पचाने में ये जलजीरा मदद करता है। अगर आपने बहुत सारा खाना खा लिया है या बहुत हेवी डाइट लिया है, या हमने एक वीडियो में बताया है कि अगर आमरस खाने के बाद में क्या पीना चाहिए, ज़्यादा आमरस होने खाने के बाद में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आपने क्या खाना चाहिए, तो ये गुरु अन्न जो है, गुरु अन्न खाने के बाद ये सब पचाने के लिए आप जलजीरा का सेवन कर सकते हैं। नंबर पाँच, ये बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस करने के लिए हितकारी है। जो भी लोग अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन्होंने जलजीरा सेवन करना चालू कर देना चाहिए। यह एक तो कैलोरी फ्री है और प्रॉपर डाइजेशन करने की वजह से ये शरीर का वज़न नियंत्रित करने के लिए लाभदायी है। नंबर छः, ये एसिडिटी कंट्रोल करता है। जो भी ये इसमें जो द्रव्य है, इसकी वजह से ये एसिड रिफ्लक्स, जो स्टमक में से एसिड
बाहर निकलने की, मतलब जो भी कुछ खाते हैं आप, तो आपको तुरंत गले में आए जैसे लगता है, या गले में जलन होती है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जलजीरा अत्यंत हितकारी है, इन्होंने ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। नंबर 7, ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर करता है। एक तो ये पानी है, ये पाचक है, ये शरीर में हम जो भी कुछ आहार लेते हैं वो आहार का व्यवहार अच्छी तरह से पचन करके जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उन्होंने जलजीरा का सेवन दिन में 2 बार निश्चित रूप से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है वो समर काल में, हम लोग तो समर काल में ही जलजीरा का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो 9वां जो इसका उपयोग है वो है डिहाइड्रेशन कंट्रोल या डिहाइड्रेशन फाइटर। अगर आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, चाहे वो लू लगने से हो जाए, अगर लू भी नहीं लग जाए तो समर के काल में अपने शरीर से पसीने के द्वारा जो शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, ये पानी संतुलित करने के लिए जलजीरा साथ देता है और शरीर में ठंडक लाता है। इसकी वजह से ये जो शरीर में ठंडक आ जाती है तो अपने आप पसीना कम आने लगता है और शरीर से जो पानी का वेस्टेज होता है वो कम होने लगता है। इसलिए इसे डिहाइड्रेशन कंट्रोल कहा जाता है। इसके साथ में जब पसीना कम हो जाता है तो पसीने से आने वाले शरीर में एक प्रकार के जो बदबू है, या जिसे हम स्वेटिंग की वजह से जो बैड स्मेल ऑफ बॉडी होती है उसकी भी वो भी कम कर देता है। ऐसा ये जलजीरा के अनेक एक महत्वपूर्ण उपयोग मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि 10 नंबर का है, जो स्त्रियों में बहुत गुणकारी है। स्त्रियों में मासिक धर्म में ये बहुत हितकारी है। मासिक धर्म में जो भी स्त्रियों को, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो क्रैम्स आते हैं, मतलब पेट में एक प्रकार की जकड़न अकड़न आती है, मुरड़ आती है, तो वो तकलीफ दूर करने के लिए जलजीरा बहुत हितकारी है। इसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रैम्प्स होते हैं वो ज़्यादातर रात में आते हैं, तो रात में सोने से पहले आप जलजीरा का सेवन करिए तो इससे पेट में होने वाला दर्द, पेट में आने वाली अकड़न ज़रूर कम होती है। थोड़ा थोड़ा करके जलजीरा वो स्त्रियों ने या लड़कियों ने ज़रूर पीना चाहिए। इससे मासिक धर्म की तकलीफ ही दूर हो जाती है। 11th पॉइंट इज पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स हैं जिन्हें स्टमक के तकलीफ़ें हैं उनके लिए ये जलजीरा बहुत हितकारी है। ये एक ऐसा द्रव्य है जो जीरा, इसमें जो जीरा है वो जीरा एक ऐसा द्रव्य है जो अल्सर्स को ठीक करने में मदद करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जिसे जिसे है वो सब ये जलजीरा ठीक करता है। 12th इज आइए, जलजीरा इज रिच इन आयरन। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होने के कारण जिसे भी हीमोग्लोबिन की तकलीफ है, जिसमें खून की कमी है, इन लोगों को जलजीरा सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और इससे एनीमिया ठीक होता है। इसलिए जिन्हें भी एनीमिया की तकलीफ है इन्होंने नियमित रूप से जलजीरा का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गैसेस की तकलीफ होती है, कुछ भी खाओ, चाहे वो पूरी तरह से अच्छा पका हुआ हो या कुछ भी खाए तो भी उन्हें गैसेस होते हैं। इन लोगों को हम जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात की इनको तकलीफ है, तो ये तकलीफ जलजीरा ठीक करता है। जो कि पेट में गुब्बारे आते हैं, ये पेट के गुब्बारे आने की तकलीफ जलजीरे से कम होती है, क्योंकि इसमें जो एक घटक द्रव्य है जो काला नमक और मीरे, ये जो है इसमें इससे पाचन होता है और जो वात पेट में जमा होता है वो वात का शमन होता है। इसलिए जिन्हें भी गैसेस की तकलीफ है या प्रेग्नेंट वुमन्स जिनको जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उन्हें गैसेस की तकलीफ बढ़ती जाती है, उन्हें भी जलजीरा सेवन देना चाहिए। जलजीरा का नियमित सेवन इन लोगों ने किया तो इनकी गैसेस की तकलीफ कम होती है। आइए अब हम देखेंगे कि घर पर सिंपल तरीके से हम जलजीरा कैसे बना सकते हैं।
कुछ भी ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम जलजीरा घर पे बना सकते हैं। जलजीरा बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामग्री लगती है, आइए हम देखते हैं। बहुत ही कम सामग्री लगती है, आइए हम देखते हैं सामग्री में क्या क्या चाहिए। इस सामग्री में सबसे पहले हमें चाहिए जीरा, मीरे, सुंठ, शक्कर ना डाले, सिट्रिक एसिड की जगह आमचूर भी लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये जलजीरा पाउडर अच्छी तरह से फाइन पाउडर बन चुका है। अभी हम इससे जलजीरा बनाएंगे। 1 चम्मच जलजीरा 1 ग्लास में हम लेकर उसमें 1 ग्लास वाटर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 ग्लास में इसे बनाने की शुरुआत की है। अभी ये देखिए, इसको थोड़ा हम मिक्स कर दें तो ये जलजीरा अपना तैयार हो गया है। यही जलजीरा आप सेवन कर सकते हो। दोस्तों, अभी हमने देखा कि जलजीरा पाउडर कैसे बनाते हैं। अभी ये जलजीरा पाउडर किसने नहीं पीना चाहिए या किसे अधिक मात्रा में नहीं दिया जाना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्हें जलजीरा पाउडर देते, जलजीरा सेवन करते टाइम अति बहुत सोच समझ कर पीना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मीरा, जीरा और नमक है इसकी वजह से हार्ट बर्न की तकलीफ़ बढ़ सकती है। और जो शुगर के पेशेंट्स है उनकी शुगर लेवल कम हो सकती है, या जो नमक की वजह से बीपी की तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो ये पेशेंट्स ने जलजीरा सेवन कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप मेरे चैनल को बेल आइकॉन को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।